नीलांबुजं श्यामलं कोमलांगं सीतासमारोपितमाम भागं पाणुसायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मैं राजा रामचंद्र जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य भवानी शंकर शर्मा हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। द्वादश राशियों के राशिफल, वार्षिक राशिफल के क्रम में अब हम बात करेंगे नवम नंबर पर आने वाली राशि। नवम नंबर पर जो राशि आती है वह राशि है धनु, और धनु का स्वामी है गुरु। इसके नामाक्षर हैं ये, यो, भा, भी, भू, धा, भा, ढा, भे। यानी जिन जातकों के नामाक्षर भय, भे, भो, ये, यो और ढा पे शुरू होते हैं, वे अपनी राशि चंद्र राशि धनु राशि समझे। धनु राशि की स्वामी गुरु है और धनु की आकृति तीर कमान चलाता हुआ एक व्यक्ति है। अर्थात धनु राशि के जातक अपने लक्ष्य पर निश्चित रूप से अग्रसर होते हैं और अपने लक्ष्य पर अड़िग रहते हैं। सबसे प्रमुख बात, धनु राशि के स्वामी आत्मविश्वासी होते हैं, निडर होते हैं और आध्यात्मवादी होते हैं, क्योंकि इनके राशि का स्वामी गुरु है। 23वां, 27वां और 36वां वर्ष धनु राशि के जातकों के लिए भाग्योदय कारक सिद्ध होता है। सोमवार, रविवार, गुरुवार और शुक्रवार इनके लिए शुभ दिन है और श्वेत, आसमानी और पीला रंग इनके लिए शुभ है। 3, 9, 1 और 2 इनके लिए शुभ अंक हैं। पुखराज इनका शुभ रत्न है। गायत्री जाप और गायत्री देवी की पूजा इनके लिए श्रेष्ठ और सर्वोत्तम है। बात करते हैं धनु राशि के लिए वर्ष भर रहने वाले गोचर की। धनु राशि के द्वितीय भाव में मकर राशि है, यहाँ पर वर्ष भर शनि का गोचर रहेगा। प्रारंभ के 3 महीने बृहस्पति भी नीच राशि में बैठेंगे, यानी धन भाव में बृहस्पति नीच भंग राजयोग बनाएंगे। इसी के साथ राहु वृष राशि में छठे स्थान पर और केतु वृश्चिक राशि में द्वादश भाव में रहेंगे। इसी के साथ धनु राशि को शनि की 7.5 का अंतिम ढैया चल रहा है। अर्थात धनु राशि के जातक पिछले 5 साल से जिस कष्ट को उठा रहे हैं, उस कष्ट में निजात पाने का वर्ष है 2021। 2021 में उनको निश्चित रूप से पिछले वर्षों से आ रही बाधाएं और परेशानियों से निजात मिलेगी। बात करते हैं राशिफल की, जनवरी और फरवरी। जनवरी और फरवरी में आपके राशि का स्वामी द्वितीय भाव में मकर राशि में नीच राशि में विराजमान है, किंतु नीच भंग राजयोग का लाभ आपको यहाँ मिलेगा। जनवरी और फरवरी में धन लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। इसी के साथ सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो शनि अस्त होगा। 1 महीने के लिए धनु राशि के जातकों को, यानी 14 जनवरी से 14 फरवरी तक का समय कुछ नया करने के लिए, आयाम निर्धारित करने के लिए, जिससे वर्ष भर आपके लिए लाभदायक हो, ऐसा निर्णय लेने के लिए उचित समय है। और आपके पंचम स्थान से मंगल का गोचर, वह भी आपके लिए लाभदायक साबित होगा। अर्थात जनवरी और फरवरी के दोनों महीने आपके लिए श्रेष्ठ हैं। बात करते हैं मार्च और अप्रैल की। मार्च में मंगल राहु के साथ में 6 स्थान पर युति करेंगे। यहाँ पर कुछ गुप्त शत्रु आपको परेषण करने की चेष्टा करेंगे, गुप्त षड्यंत्र की चेष्टा करेंगे, इसलिए और आपके स्वास्थ्य को भी कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए शत्रुओं से सावधान रहें और अपने स्वास्थ्य का मार्च के महीने में ध्यान रखें। अप्रैल में 5 अप्रैल को जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मकर से कुंभ में, यानी आपके तृतीय स्थान पर आएंगे, तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपको अध्यात्म की तरफ रुचि आएगी और ईश्वर की कृपा से आपके कार्य धीरे धीरे बनने लगेंगे और घर गृहस्थी का सुख भी आपको मिलने लगे। बात करते हैं मई और जून की। मई में कुछ नया करने को मिलेगा, साझे कारोबार का विचार आपका बनेगा और तबादले की प्रक्रिया हो सकती है। यात्रा छोटी होगी मगर लाभप्रद होगी। जून के महीने में आलस्य आपको परेशान कर सकता है। रोज़मर्रा के कार्य में कोताही ना करें,
असफलता के मध्य भी आपको सफलता की प्राप्ति जून के माह में होगी। जुलाई और अगस्त घर गृहस्थी दफ्तर में उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी, आपको मान सम्मान की वृद्धि होगी और आपको कुछ धन लाभ की स्थिति भी बन सकती है, किंतु आपके आसपास के रहने वाले गुप्त शत्रुओं से सावधान जुलाई में रहना होगा। अगस्त में भगवान की प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, कुछ धार्मिक यात्राओं का योग आपको बनेगा और अनजान से दोस्ती हाथ न मिलाए और भाग्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जमीन जायदाद या वाहन खरीदने के लिए उचित समय है। बात करते हैं सितंबर अक्टूबर की। सितंबर में आपको नया कार्य प्रारंभ करने के योग बनेंगे, किसी कानूनी विवाद से बचने की प्रयास अवश्य करें, अर्थात सितंबर के माह में आप किसी कानूनी लपड़े में फंस सकते हैं, उससे सावधानी बरतें। अक्टूबर में महीने में जो आपने अतीत में अनुसंधान किया है उस सब अपने ज्ञान का अर्जन लाभ अक्टूबर के महीने में लीजिए और आमोद प्रमोद में समय आपका बीतेगा। आमदनी के कुछ नए रास्ते अक्टूबर के महीने में आपको मिलेंगे। बात करते हैं नवंबर और दिसंबर की। नवंबर का महीना श्रम संघर्ष अधिक होगा, लाभ कुछ कम रहेगा। उन्नतिप्रद समाचार की संभावनाएं अवश्य बनेंगी, इसलिए हिम्मत रखें और साहस के साथ दम पर आगे बढ़े। दिसंबर का महीना जनवरी की भांति आपको लाभ देने वाला होगा, यानी कि कह सकते हैं वर्ष के प्रारंभ में और वर्ष का दोनों आपके लिए सुखद और लाभप्रद रहेंगे, किंतु मध्य के दो महीने सितंबर और अक्टूबर में कुछ कष्टकारक स्थितियां आपके लिए पैदा होंगी, चाहे वो ग्रह क्लेश की हों, चाहे शत्रु के द्वारा कुचक्र के द्वारा की गई हो। अब इन सब से बचने के लिए धनुराशि के जातकों को क्या उपाय करना चाहिए? धनुराशि के जातकों को गुरुवार के रोज चने की दाल और गुड़ पीली गाय को दान देना चाहिए, गायत्री का जाप करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए और रामचरितमानस का पाठ धनुराशि के जातकों के लिए रामबाण सिद्ध होगा। आप इन सब उपायों को करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।